वेलकम इन फ्यूचर केयर पब्लिक स्कूल चैप्टर 2 संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। हम आगे देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ महात्मा गांधी किसी खास व्यक्ति के रूप में बताया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञाएँ व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो यहाँ चिड़िया पूरे जाति का बोध करा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष का, अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दादाजी बुढ़ापे से परेशान है, तो यहाँ दादाजी किससे परेशान है? बुढ़ापे से, तो यहाँ उनके भाव को दर्शाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ, द्रव या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुनार सोने का आभूषण बनाता है, तो सुनार किस चीज़ का आभूषण बनाता है? सोने का, तो यहाँ सोना जो है द्रव्यवाचक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार मिलकर मेला त्यौहार मना रहे हैं, तो यहाँ परिवार जो है पूरे समूह का बोध करा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।